गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर आज हमें जो रिएक्शन स्टडी करनी है वो रहेगी बोरेन सिन एडिशन ऑन डबल बॉन्ड विथ शॉर्ट ट्रिक, हमें इसको स्टडी करना है। तो ये जो रिएक्शन है बोरेन सिन एडिशन, ओके, अब बोरेन रिएजेंट का आपके पास एडिशन करवाना है ट्रिपल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड फॉर्मेशन का एक ये मेथड है। जनरली बोरेन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड के ऊपर सिन एडिशन परफॉर्म करते हैं। तो इसके ऊपर जो भी आपके डिटेल स्टडी है वो इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर रहता है कि जो बोरेन डेरिवेटिव्स है, बोरेन डेरिवेटिव्स हमेशा डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर सिन एडिशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जो आपका नॉर्मल बोरेन होता है उसे कहते हैं मोनोबोरेन, ये रहता है आपका BH3 के रूप में प्रेजेंट रहता है। बट सॉल्वेंट के अंदर ये जनरली डाइमर के रूप में प्रेजेंट रहता है। लाइक जो मोनोबोरेन है वो किसके अंदर कन्वर्ट रहते हैं माय डियर, B2S6 डाई बोरेन के अंदर ये कन्वर्ट रहते हैं, इसे बोलते हैं डाइमर फॉर्म। अब इसकी भी डिटेल स्टडी पी ब्लॉक एलिमेंट के चैप्टर के अंदर हम करेंगे, बट यहाँ पे आपका जो डाइबोरेन एंड बोरेन के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। तब होता है क्या है कि जब हम इथेरियन सॉल्वेंट यूज करते हैं तो ये वापस से मोनोमर के अंदर कन्वर्ट रहते हैं। तो इफ वी यूज इथर सॉल्वेंट तो डाइमर कन्वर्टेड टू मोनोमर, और हमें रिएक्शन के लिए मोनोमर चाहिए होते हैं ना कि डाइमर, ओके। तो डाइमर कन्वर्टेड टू मोनोमर, कौन कौन से इथेरियन सॉल्वेंट हम यूज में ले सकते हैं, DMS डाइमिथाइल सल्फाइड, THF, डाइएथिल ईथर, डाइमेथिल ईथर, ओके। ये सारे के सारे आपके पास इथेरियन सॉल्वेंट यूज में लेते हैं डाइमर को मोनोमर में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी हमारे पास हाईलाइट करने वाली पॉइंट है। पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी रहती है, 2.2, ओके। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोरेन जो रहता है आपका, वो रहता है आपके पास वो हाइड्रोजन एटम से भी कम रहते हैं, 2.0। तो इस कंडीशन में होता है क्या माय डियर कि जो पोलराइजेशन होता है बोरेन कार्बन बोरेन और हाइड्रोजन बॉन्ड का, उसमें बोरेन जो है वो बियर करता है डेल्टा प्लस चार्ज एंड हाइड्रोजन बियर करता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज। इट मींस जो एच एटम है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल, दिस एच एटम एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड दिस बोरेन एटम एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो हमें सबसे पहले बॉन्ड पोलराइजेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि बोरेन जब सिन एडिशन करता है तो उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल कौन जनरेट होता है, इलेक्ट्रोफाइल कौन जनरेट होता है। न्यूक्लियोफाइल आपका रहता है एच नेगेटिव और इलेक्ट्रोफाइल रहता है H2B+, ओके। अब हमें देखना है सिन एडिशन ऑन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर बोरेन का सिन एडिशन कैसे होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कर लीजिए, 7-star पॉइंट आप इसे कह सकते हो। ये हर जगह आपको काम में आएगा, हर छोटे रिएक्शन के अंदर, हर स्टेप के अंदर इसको पूछा जाता है। तो देखिए, ये आपके पास एक स्टार्टिंग मटेरियल है, ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइन है आपके पास, दिस वन इज एल्काइन, नॉर्मल एल्काइन। अब आपके पास दे रखा है BH3 स्टार, जो स्टार मैंने मार्क किया, इट मीन जो हाइड्रोजन है बोरेन के उसे हमने स्टार मार्क किया। THF सॉल्वेंट है तो ये मोनोमर के रूप में प्रेजेंट रहेंगे। अब क्या होगा क्या कि बोरेन का एक एच एंड BH2 डबल बॉन्ड के एक फेज के अंदर ही ऐड रहते हैं, मतलब जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के बाद ये जो आपको उंगलियां दिख रही है उसी फेज के अंदर आपके पास एक जगह हाइड्रोजन ऐड होगा, सेकंड जगह BH2 ऐड होगा, ठीक है। तो एक ही फेज के अंदर ये ऐड रहते हैं, ये आपका डबल बॉन्ड होगा, दिस वन इज फेस, जो मेरी उंगलियां है उसी फेस के अंदर ये ऐड रहते हैं, दिस वन, ठीक है। तो आपको बस यही करना है, देखिए ये मैं आपको ट्रिपल बॉन्ड को पहले ग्रीन मार्क कर रहा हूं, अब यही ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में से, जिसे मैंने येलो मार्क किया, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड को भी येलो एंड डबल बॉन्ड को भी येलो मार्क किया। अब इस डबल बॉन्ड के एक ही फेस में यानी अपर फेस के अंदर अगर मैं देखूं तो एक को मैं हाईलाइट कर रहा हूं एच स्टार को एक्वा कलर से, सेकेंड वन को BH2 को मैं हाईलाइट कर रहा हूं ग्रीन से, ओके। तो ये डबल बॉन्ड के सेम साइड के अंदर है तो इसे कहते हैं सिन एडिशन, क्या कहेंगे इसे, सिन एडिशन, यही कंसेप्ट है यहां पे। अब देखिए अगर आप
इस बोरेट के ऊपर, जिसे मैंने हाईलाइट किया ग्रीन से, अभी भी इसके ऊपर उसके पास दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इट मीन्स ये दो अदर एल्काइन मॉलिक्यूल के साथ सिन एडिशन परफॉर्म कर सकता है। तो ओवरऑल हमारे पास दो मॉलिक्यूल अगर हमने और ऐड किए, टू इक्विवेलेंट ऑफ एल्काइन अगर हमने और भी लिए, तो टोटली जो सिंगल बोरेन या मोनोमर था उसके, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो तीन एल्काइन मॉलिक्यूल के साथ सिन एडिशन परफॉर्म कर सकता है। तो ये देखिए, ये हो गया आपके पास बोरेन, और ये बोरेन कितने मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइन के साथ अटैच दे, तो ये हो गया आपके पास थ्री मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइन के साथ अटैच दे, वो भी सिन कंडीशन में। ठीक है, इसे छोटे रूप में लिखा है, इसे चाहे तो आप ओपन कंडीशन में भी लिख सकते हैं। अगर आप ओपन कंडीशन में लिखना चाहे वो भी आप लिख सकते हैं। लाइक दिस वन, मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दिस वन इज बोरेन, आपके पास एक इस टाइप से रहेगा, ये आपका रहेगा एच स्टार, दिस वन आर, दिस वन एच, सेकेंड आपके पास इस टाइप से रहेगा, दिस वन आर, दिस वन एच स्टार, और ये एच रहेगा डबल बॉन्ड, और तीसरा जो आप लगाना चाहे तो वो आप ऊपर लगा सकते हो सिन एडिशन के फॉर्म में, ये आपका रहेगा आर, ये एच स्टार, ये नॉर्मल एच। इस टाइप से ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का। अब आपके पास बोरेन के थ्रू आप रिंग फॉर्मेशन भी कई बार हमारे पास होती है। ये देखिए आपके पास एक एग्जाम्पल है सिन एडिशन का, एक ही स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल है आपके पास, ट्रिपल बॉन्ड भी दे रखा है जिसे मैंने हाईलाइट किया है ग्रीन से, एंड डबल बॉन्ड दे रखा है उसे मैंने हाईलाइट किया एक्वा कलर से, सॉरी एक्वा कलर हमें यूज में लेना, दिस वन इज एक्वा, एक्वा कलर सेलेक्ट करते हैं एंड इसे हम हाईलाइट करते हैं। अब देखिए पहला जो आप बोरेन अगर हम यूज में लेते लाइक BH3 स्टार, तो वो पहले कहां पे जाके सिन एडिशन परफॉर्म करेगा, ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड में प्रायोरिटी रहती है ट्रिपल बॉन्ड की। ओके, ट्रिपल बॉन्ड इज मोर नेगेटिवली मोर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर कंपेयर टू डबल बॉन्ड, तो इसलिए सबसे पहले जो एडिशन होगा सिन एडिशन वो होगा आपके पास डबल सॉरी ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर। तो हमें क्या करना है, पहले बोरेन का ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर सिन एडिशन परफॉर्म करना है। तो ये पहले कर दिया आपने सिन एडिशन, तो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्टेड टू डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये आपके पास जो था BH, ये आपने अगर हम इसके स्टार देने की बात करें तो देखिए हम स्टार इसे कैसे देंगे, हमें इसमें थोड़ी सी प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी, दिस वन इज, यहां पे हम ले लेते हैं इसे स्टार, ये जो मैंने दे रखा है यस स्टार, तो हमने इसे तो यहां पे आपको स्टार देना है, दिस वन इज स्टार रहेगा और ये आपका बोरेन रहेगा। अब देखिए दिस बोरेन एंड ये डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के ऊपर बोरेन का सिन एडिशन आपको परफॉर्म करवाना है, क्या होगा आपके पास, ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड के अंदर, तो सिंगल बॉन्ड के अंदर ये कन्वर्ट हुआ, और जिस ये एक एच स्टार है जिसे मैंने हाईलाइट किया है येलो से, ये एच स्टार कहां पे जाके ऐड होगा, एक दिस पोजीशन के ऊपर, तो यहां पे जाके ऐड हो गया ये एच स्टार, और सेकंड जो बोरेन था वो इस कार्बन से ऐड हुआ जो मैं आपको बताता हूं, दिस वन इज एडिंग, यहां पे आपके पास ऐड होता है, और एच स्टार जो है वो पर्टिकुलर मैं इसे नेम देता हूं, ये वन नंबर कार्बन, ये टू नंबर कार्बन, तो एच स्टार आपका टू नंबर पे जाके ऐड हो जाएगा, और बोरेन का एक बॉन्ड आपके पास वन नंबर कार्बन से जाके मिलेगा। तो ये आपके पास एक क्या बन जाएगा, साइक्लिक फॉर्म बन जाएगा। अगर मैं इससे लिखना चाहूं तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं लाइक दिस वन, देखिए ये आपके पास हो गया बोरेन, दिस वन सिंगल बॉन्ड, और यहां पे डबल एल्किल रिएजेंट था, डबल एल्किल जो भी आपके पास सब स्टिट्यूएंट है, और एक बोरेन के साथ एच स्टार, एक सिंगल एच स्टार बाकी है, तो ये आपके पास इस टाइप से साइकिल बन जाती है। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है ट्रिपल बॉन्ड का उसे देख लेते हैं, दिस वन इज, यहां पे देखिए ये भी आपके पास एल्काइन है एक आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है हमारे पास। ओके, ये आपके पास क्या है, बोरेन है, यहां पे भी यही होगा आपके पास, ये वन नंबर कार्बन दे दीजिए, इसे टू नंबर कार्बन दे दीजिए। ठीक, अब आपको सिन एडिशन परफॉर्म करना है, वो भी इस टाइप से कि स्टेरिक हिंड्रेंस लेस हो गए। तो स्टेरिक हिंड्रेंस लेस कब होगा, जब आपका जो पीएच ग्रुप है वो
दिस वन इज पीएच ग्रुप, पीएच ग्रुप एंड सॉरी आपका जो बी बोरेन ग्रुप है वो एक दूसरे से दूर रहे। तो ये देखिए डबल बॉन्ड के एक साइड में तो सिंग एडिशन होता है बोरेन का, तो ये रह गया आपके पास एस स्टार एंड ये बी C2H5। अब ये जो बोरेन एंड पीएच एक दूसरे से अपार्ट यानी कि दूर दूर है, यही सबसे अच्छी कंडीशन होती है स्टेबिलिटी के लिए। तो ये आपको देखना है कि पीएच ग्रुप या कोई भी बल्काई ग्रुप, पीएच की जगह CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है या अदर ग्रुप्स हो सकते हैं, इसे अपने को क्या लेना है, दूर लेना है। ठीक है, तो ये आपके पास सिन एडिशन देखने को मिला वन एंड टू पोजिशन के ऊपर सिन एडिशन। अब क्या होता है, बोरेन को मुझे एलिमिनेट करना है, तो अब क्या होगा, कोई सीसी न्यूक्लियोफाइल से मुझे अटैक कराना पड़ेगा। एक हमने न्यूक्लियोफाइल लिया, दिस वन इज न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। बोरेन क्या रहता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर रहता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर्टिकुलर है, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बोरेन के ऊपर। अब बोरेन के ऊपर अटैक करने से बोरेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखिए यहां पे आपको क्या देखने को मिला, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज देखने को मिला तो हमें पता है कि बोरेन एंड कार्बन के अंदर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो जो कार्बन कंटेनिंग सब स्टिट्यूएंट है वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को ले करके, कार्बन कंटेनिंग सब स्टिट्यूएंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को ले करके अटैक करेगा इसी फेस से। देखिए ये अटैक करेगा इसी फेस से, जो भी आपने नंबर दे रखा, ये आपने दे रखा था वन नंबर कार्बन, ये आपने दे रखा था टू नंबर कार्बन, तो ये टू नंबर कार्बन पे अटैक करेगा कौन सा सब स्टिट्यूएंट, C2H5 या बोल सकते हो CH2CH3। मैं इसे हाईलाइट करता हूं ग्रीन से, दिस वन इज ये वाला सब स्टिट्यूएंट। तो इससे क्या होगा, आपका जो एलिमिनेट होगा वो होगा बोरेन, ये बॉन्ड ब्रेकअप होके बोरेन के पास जाके एलिमिनेट हो जाएगा, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दिस वन मिलेगा। ठीक है, इसमें वन नंबर कार्बन कौन है, ये वन नंबर, ये टू नंबर, टू नंबर के ऊपर सब स्टिट्यूएंट कौन सा जुड़ा हुआ, C2H5 या CH2CH3। आप इसे जनरली इस टाइप से भी लिख सकते हैं, दिस वन इज पीएच, दिस वन इज डबल बॉन्ड, दिस वन इज C2H5। ओके, पीएच एंड C2H5 की जो पोजिशन है वो एक दूसरे से अपार्ट है, दूर है, ताकि वो स्टेबल ज्यादा हो गए, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट आपका बनता है। तो हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दिस वन, यानी कि जो आपका एल्काइन दे रखा है उस एल्काइन के दोनों ही पोजिशन के ऊपर सब स्टिट्यूएंट है, लाइक वन नंबर एंड टू नंबर कार्बन है, वन एंड टू के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, एक के ऊपर पीएच है, सेकंड पे CH3 है, और हमें बोरेन का यहाँ पे अटैक देखना है कि बोरेन का अटैक होने पर क्या होता है। ठीक है, बोरेन डेरिवेटिव, तो पहला चीज क्या होगा, देखिए मैंने आपको बताया था ट्रिपल बॉन्ड किसके अंदर कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड के अंदर, और सिन एडिशन होगा, पहली चीज सिन एडिशन होगा। जो आपका एच एंड बी जो बोरेन रिमेनिंग बोरेन पार्ट है वो डबल बॉन्ड के सेम साइड में रहेंगे। फिर हमने न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, दिस वन इज न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बोरेन के ऊपर अटैक करेगा, बोरेन से फिर जो सब स्टिट्यूएंट अटैच्ड है कौन सा सब स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, C2H5 या CH2CH3, ये वापस से टू नंबर कार्बन के साथ अटैच होगा। जो हमने रिएक्शन मैकेनिज्म जस्ट ये वाली अभी पढ़ी है वो कि वो रिएक्शन मैकेनिज्म इस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो शॉर्ट ट्रिक से मेरे पास आंसर क्या आएगा, अब मुझे कोई भी लॉन्ग ट्रिक अप्लाई नहीं करनी, मुझे सिर्फ शॉर्ट ट्रिक देखना है। तो देख लीजिए क्या करना है हमें, सबसे पहले इस डबल ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बना लीजिए, दिस वन इज डबल बॉन्ड, और सेम साइड में एक पीएच रखिए, सेकेंड में CH3 रखिए। पीएच और CH3 में बल्काइल कौन है, पीएच, तो पीएच के अपोजिट कार्बन पे यानी कि ये वन और ये टू, टू नंबर के ऊपर जो भी है बोरेन को जोड़ना था, तो यहाँ पे मैं बोरेन डेरिवेटिव रखूंगा, बट न्यूक्लियोफाइल अटैक करने से अब बोरेन तो एलिमिनेट हो जाएगा, आएगा क्या यहाँ पे, यहाँ पे आएगा C2H5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया C2H5, और यहाँ पे जो रहेगा एक नंबर कार्बन पे वह रहेगा आपका बोरेन का जो सिन एडिशन होता है, तो H यहाँ पे आके अटैच रहेगा, तो ये रह गया मेरा H स्टार कर दीजिए, ये आ गया आपका प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट यहाँ पे मैंने राइट डाउन किया है। ओके, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हमने बोरेन के सिन एडिशन के बारे में मैंने आपको जनरल जनरल इंस्ट्रक्शन बताया, बोरेन का सिन एडिशन डबल ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर कर करके हम डबल बॉन्ड कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ बोरेन डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे, जो पर्टिकुलरली
एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, लाइक कैटेकोल बोरेन है, 9 BBN है, ओके okay? और 9 BBN का सिन एडिशन काफी फेमस है, इसके ऊपर से क्वेश्चन भी आते हैं जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसे डिटेल स्टडी इसके बारे में करेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, वंस अगेन हैव अ नाइस डे।